हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें भूख लगे तो खाओ और अभी भूख बाकी रह जाए तो अपना हाथ रोक लो। यही सुन्नत तरीका है और यही हेल्थी स्टाइल है ज़िंदगी को गुजारने का, क्योंकि हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। अल्हम्दुलिल्लाह आज है डे 26, यानी आज 26वां रोज़ा है। आज की सैरी में आपने 3 खजूरें लेनी हैं, 2 गिलास पानी पीना है, और आज आपने या तो हलीम बना लीजिए या मिक्स दाल बना लीजिए या कोई सी भी दाल आपको पसंद हो, एक बॉल आपने खानी है और एक आपने बनाना खाना है, और इसके बाद ग्रीन टी भी पीनी है। इसके बाद आपने पढ़नी है फजर की नमाज़, पूरे 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि नमाज गुनाहों से रोकती है, गुनाहों को ख़त्म करती है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करवाती है, और नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। इसके बाद आपने कुरान खोलना है गौर व फिक्र के लिए, क्योंकि जब आपका दिल चाह रहा हो अल्लाह से बात करने का तो आप नमाज़ पढ़ें, और जब आपका दिल चाहे कि अल्लाह आपसे बात करे तो कुरान को खोल लीजिए, क्योंकि दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में ही है। इसके बाद आपने करनी एक्सरसाइज, और आज आपने रस्सी कूदनी है तकरीबन 100 टाइम, क्योंकि पूरे मंथ हो गया आपको एक्सरसाइज करते हुए, तो आपकी बॉडी तो बहुत फ्लेक्सिबल हो गई होगी, तो 100 टाइम आपने रस्सी कूदनी है। दस्तखान पे बैठकर आपने दुआ मांगनी है, क्योंकि अल्लाह सुबहाना व तआला रोज़ेदार की दुआ बहुत जल्दी सुनते हैं। और आज की दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिदाका वल जन्नत व अऊज़ु बिका मिन सखातिका वन नार। तर्जुमा है, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और पनाह मांगता हूँ जहन्नम की सख्तियों से। इसके बाद आपने अफ्तार करना है बिस्मिल्लाह पढ़ के, 3 खजूरें, 2 गिलास पानी, 1 कप आपने चिकन कढ़ाई लेनी है या चिकन करी ले लें, और या फिर आप आज चपली कबाब बना के खाएं, तकरीबन 3, और साथ आपने 1 होल पपाया लेना यानी पपीता भी खाना है, और 1 कप ग्रीन टी का भी पीना है। अच्छा, साथ अगर आप काले छोले खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं 1 कप, या फिर सफ़ेद छोले, दोनों में से कोई एक छोले खा लीजिए, वो भी फ़ायदेमंद है। काले छोले खाना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो आपके फैट को ब्लॉक करता है, और साथ ही साथ आपने 1 कप ग्रीन टी का भी पीना है। तो ये था आज का डाइट प्लान, उम्मीद है पसंद आया होगा। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि जो डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं इंशाल्लाह उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आमीन।